आज हमारी जिंदगी बहुत ही मुसीबत से कट रही है और मैं हावड़ा शिवपुर में एक मजदूर की बस्ती में अपना गुजर बसर कर रही हूँ। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं। खबर कलकत्ता के हावड़ा से प्रकाश में आ रही है, जिस खबर को सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुगल खानदान की, जिन लगभग 400 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम रही। तो मैं बात कर रहा हूं मुगल बादशाहों की। दोस्तों, सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते की बहू जिंदा निकली है, जो आज एक ऐसी जिंदगी गुजार रही है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। दोस्तों, एक इतने बड़े रईस खानदान की ये बहू आज एक कब्र नुमा झुग्गी के अंदर पाई गई है, कि 6x6 की एक झुग्गी है जिसमें वो एक सिल्ली पर लौट करके अपना गुजर बसर करती है। वो आज भी जिंदा है, कुछ बच्चे जिंदा हैं। दोस्तों, उस महिला ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने हुकूमत हिंदुस्तान से अर्ज किया है कि उनका ससुर जी जो था बहादुर शाह जफर, वो एक वफादार था, वतन परस्त बादशाह रहा है। अगर उन्होंने गुलामी की होती अंग्रेजों की, तो आज मैं भी ऐसो इसरत की जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन उन्होंने जंग करना मुनासिब समझा और अपने आप को हिंदुस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से बाहर लेकर गए थे अंग्रेज और उन्हें सजाए मौत दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और उन्होंने उनसे जंग करने का निर्णय लिया था। एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, जिस वीडियो में ये मुगल खानदान की आखिरी बहू अपने बयान कर रही है। मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की बहू, आज हमारी जिंदगी बहुत ही मुसीबत से कट रही है और मैं हावड़ा शिवपुर में एक मजदूर की बस्ती में अपना गुजर बसर कर रही हूँ। ऐसे मजदूर बस्ती में हूँ जहाँ के गंदगी भी है, बारिश में छत टपकता है, रात भर बैठकर गुजारते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारा सर पे कोई साया नहीं है। जिस खानदान की बहू हूँ भूखी रह जाऊंगी, लेकिन किसी के आगे तो हाथ फैलाना नहीं है। अगर आज बहादुर शाह जफर भी गद्दारी किए होते तो मैं भी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करती, लेकिन वो जिंदगी मेरे समझ में बेकार है, क्योंकि वफादारी जो किया है तो कम से कम दुनिया में सर उठा के मैं, मेरे बच्चे, आने वाली नस्ल, ये लोग सर उठा कर जी सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये गद्दार का खानदान है, वफादार का है, ऐसे ही चलता है, क्या किया जाएगा। उन्होंने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया, लेकिन आज उस खानदान की एक महिला भिकारियों से बदतर जिंदगी जी रही है। दोस्तों, ऐसी अनेक प्रकार की धरोहर इमारतें हैं जिनसे हुकूमत हिंदुस्तान अरबों रुपए का बिजनेस सालाना करती है। ताज महल जैसी इमारत जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, तो क्यों ना ऐसी महिला के लिए हुकूमत हिंदुस्तान को कुछ देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना। आखिरी बहू से जुड़ी कोई ताजा अपडेट, कोई भी अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।